सो मैंने आपको बोला था पहले ही कि हम मनी पे स्टार्ट करने वाले थे अपना नेक्स्ट वीडियो। मनी पे इसलिए स्टार्ट करने वाले थे क्योंकि बेसिकली ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि सीबीएसई में भी है, आईएससी में भी है, स्टेट बोर्ड्स में भी है, और सबसे बड़ा वो है कि ये 10 से लेकर 12 तक ऑब्वियसली ये हर एक ग्रुप में आता है। तो हम बेसिक इनिशियली से शुरू करने वाले हैं। कई जगह पे बार्टर सिस्टम को इतना डीप में नहीं दिया गया है, कई बार मनी को के बहुत सारे फंक्शंस या बहुत सारी मनी सप्लाई के बहुत सारे एलिमेंट्स को कई जगह पे कई सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। वीडियो काफी लंबा होने की वजह से हमने इसे पार्ट पार्ट में अपलोड प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने इसे पार्ट पार्ट में बनाने का डिसाइड किया है। सो शुरू करते हैं मनी। मनी के इवोल्यूशन से पहले हम सीसी इकोनॉमी यानी कॉमोडिटी विद कॉमोडिटी इकोनॉमी में थे, जहां पे जिसको नॉर्मली हम बार्टर सिस्टम में कहते थे, गुड्स आर एक्सचेंज विद अदर्स। किसी भी चीज की जिसकी हमारे पास स्कैर्सिटी होती थी या जो जिसकी यूटिलिटी हमारे लिए होती थी और जो हमारे पास सरप्लस होता था उसे देखकर हम एक्सचेंज कर लेते थे, और यही बेस था सीसी इकोनॉमी का। जब मनी इवोल्यूट नहीं हुआ था, यानी मनी के इवोल्यूशन से पहले, व्हेन कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड विद द कमोडिटीज टू फुलफिल द नीड्स और द फुलफिल व्हाट वी हैव इन शॉर्ट, मतलब जो चीज हमारे पास कम थी या हमारे पास स्केर्स थी और दूसरों के पास ज्यादा हुआ करती थी, हम उसे एक्सचेंज कर लेते थे, और इसी को बार्टर सिस्टम कहा जाता था। मतलब सीसी इकोनॉमी, कई जगह बार्टर सिस्टम की डिफाइन सीसी इकोनॉमी, बच्चे कंफ्यूज होता है। सीसी का मतलब होता है कमोडिटी विद कमोडिटी, जहां एक सामान देकर दूसरे सामान को लिया जाता है, उसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम क्लियरली हमने यहां पे मेंशन किया, थोड़ा सा ज़ूम इन किया जाए तो देखिए बार्टर सिस्टम सीसी इकोनॉमी। अब रीजन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे 10 लेवल पे आएंगे, 12 के लेवल पे आएंगे, वो ये होगा व्हाट आर द नीड्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ मनी, या क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। दोनों का आंसर सिमिलर होगा, हमें मनी की इवोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी या बार्टर सिस्टम क्यों फेल हो गया था। दोनों का आंसर जो होंगे वो एकदम सिमिलर है। आप देखिएगा लिमिटेशन एंड ड्रॉबैक, पहले के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन का मतलब क्या होता है कि अगर जो चीज हम डिमांड करें, सपोज मेरे पास शुगर नहीं है, मुझे शुगर चाहिए, और किसी के पास वीट है, यानी किसी के पास अगर गेहूं है और मुझे चीनी चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं मेरे पास गेहूं है, बहुत सरप्लस है और मुझे चीनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं गेहूं देखकर चीनी को खरीदने की कोशिश करूंगा या चीनी को लेने की कोशिश करूंगा। सपोज एक बंदा वहां बैठा हुआ है जिसके पास चीनी है, मैं उसे गेहूं ऑफर किया कि आप चीनी मुझे दे दीजिए, गेहूं ले लीजिए, पर उसने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उसे गेहूं की जरूरत नहीं थी, उसे चावल चाहिए। सो मैं अब एक ऐसे पोटेंशियल एक्सचेंज करने वाले को खोजूं जिसको जो मेरे को चीनी दे सके, मीनवाइल उसे वीट की भी आवश्यकता हो, या तो फिर मैं अपने वीट को किसी के राइस के साथ एक्सचेंज करा के लेके आऊंगा, फिर उसे राइस दूंगा और शुगर दूंगा। ओके, मतलब अगर कोइंसिडेंट नहीं है, यानी जो मुझे चाहिए और सामने वाले को चाहिए, जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास है और जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास है, अगर ऐसा कोइंसिडेंस नहीं है तो आपका बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है। यानी सोचिए वी आर हियर और टू प्रोड्यूस टू कंज्यूम नॉट टू एक्सचेंज, सिंपल सी सिचुएशन है। आज हमारे पास मनी है, हम एक्सचेंज करें या हमारे पास जो भी सरप्लस होता है, हम मार्केट में सोल्ड आउट करते हैं, मनी लेते हैं, हमारे पास जिस चीज की जरूरत होती है हम उसे खरीद लेते हैं उस मनी से। आप सोचिए कितना डिले प्रोसेस होता होगा ये, जब हमारे पास कोई चीज की स्कैर्सिटी होती होगी और दूसरा सरप्लस है, फिर भी कोइंसिडेंट ना होने की वजह से हमें ढूंढना पड़ता होगा। दूसरा है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, बराबर का मेजर नहीं था, किसी भी चीज को एक यूनिट से मेजर नहीं किया। सपोज ये प्रिमिसेस है, मैंने बोला कि मैंने इस प्रिमिसेस को खरीदा था उस पुराने जमाने में 4 भैंसे देकर, 4 भैंसों को देकर मैंने पूरी प्रिमिसेस को खरीदा था, यानी इस
प्रीमिसेस की वैल्यू जो है वो चार भैंसों के बराबर है, यानी फोर भैंसों की जो वर्थ होगी वो इस पूरे प्रीमिसेस की वर्थ है। अब आप एक चीज आज के जमाने में सोचिए कि अगर आपने से 4 लाख रुपए में खरीदा है, कोई आपको 5 लाख रुपए देता है, आप प्रॉफिट में आसानी से सोल्ड आउट कर दोगे। अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में जाते हैं तो आसानी से सोल्ड आउट कर देंगे, अगर हमने इसे 4 में खरीदा है कोई 5 में लेता है तो। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता होगा कि हम 4 भैंस लेके खरीदिए, अब कोई आता होगा भैया हमसे 5 भैंस ले लीजिए और दे दीजिए, पर क्या अब हम बोलेंगे भाई हो सकता है नॉर्मली आप बोल सकते हो नहीं हमारी जो भैंस थी वो अच्छे क्वालिटी की ज्यादा दूध देती थी। ऑब्वियसली कॉमन रीजन है, आज आपके पास अगर कोई कॉमन एक्सचेंज वैल्यू को ले पैसे लेके 1000 का नोट लेके आता है, 2000 का नोट लेके आता है, 100 रुपए का नोट लेके आता है, 1-1 रुपए का नोट लेके आता है, जितने भी अनलिमिटेड लीगल टेंडर है आप उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते हो, पर उसमें तो रिफ्यूज किया जा सकता था एक्सचेंज के लिए। दूसरा है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तीसरा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है, पुराने जमाने में सपोज मेरे पास सरप्लस हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सरप्लस हो गया, अब मैं उसे सेव करके रखूंगा आने वाले समय में यूज करने के लिए, आज मेरे पास सरप्लस हो गया वीट का, राइस का, शुगर का, किसी भी चीज का। याद रखिए अगर मैं किसी भी कॉमोडिटी को सरप्लस रखता हूं तो उसकी वैल्यू जो होगी टाइम पास होने के साथ साथ डेप्रिशिएट होती है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू यही बोलता है। आज के डेट में अगर किसी किसान के पास सरप्लस है उसे वो मार्केट में सोल्ड करता है, पैसे लेके आता है, बैंक में रख देता है, या तो पैसा बढ़ेगा या कॉन्स्टेंट रहेगा, घटेगा नहीं। उसके बाद आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जिस वक्त बार्टर सिस्टम थी उसमें फ्यूचर पेमेंट्स, एन्यूटी कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थे। और लास्ट है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबल भी नहीं थे। सपोज मेरे पास हॉर्सेस है, मतलब आप ब्रेक नहीं कर सकते थे, कॉमन यूनिट नहीं थे, आप हर एक चीज का सबसे लोवेस्ट यूनिट भी होता है या उसे आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर सपोज मेरे पास एक हॉर्स है और मुझे उस हॉर्स को सेल करके या एक्सचेंज करके मुझे एक ही गोट चाहिए, अब आपको भी पता है हॉर्स को गोट से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है, हॉर्स का वैल्यू ज्यादा है और गोट का वैल्यू कम है, और आप हॉर्स को डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, क्या आप बोलेंगे मुझे एक बकरी दो और पूछ ले लो इसकी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ओके सो क्या था, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी भी थी। आज आसानी से हम डिवाइड कर सकते हैं, हॉर्स को सेल किया उससे जो पैसे आए उस पैसे से जितना पैसे की जरूरत है उसको निकाला, हमने गोट खरीद लिया। ये रीजंस थे कि मनी की जरूरत पड़ी थी। पहले रिवाइज देखिए फिर से, बार्टर सिस्टम को सीसी इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, क्वेश्चन आपको आएगा व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम या व्हाई वी नीड टू इवोल्यूट मनी, मनी को इवोल्यूशन की, मनी को खोजने की जरूरत क्या पड़ी थी। पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दूसरा है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड डिविजिबिलिटी। पहली बार जब मनी इनके अलावा सीसी इकोनॉमी के अलावा बहुत कम लोगों को पता है जो यूज हुई थी वो थी कॉरिसेल्स, कॉरी सेल्स को यूज किया गया था। आप नॉर्मल कन्वर्सेशंस में भी जो उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, ये चीजें आपने सुनी होगी नॉर्मल कन्वर्सेशन में। कॉरी सेल्स को कॉफी बीन्स जैसी व्हाइट कलर की होती थी जो आपको सी सोर्स में या बीचेस में अभी भी मिल जाती है, कॉफी बीन्स जैसी हुआ करती थी, उसे हम कॉरी सेल्स कहते थे। ये था नीड फॉर इवोल्यूशन ऑफ मनी या लिमिटेशन ऑफ ड्रॉबैक। वो आपको पसंद आया होगा, जस्ट इसके जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वहां से हम मनी के इवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू करेंगे, गोल्ड से, मेटेलिक मनी से, गोल्ड से, सिल्वर से, कॉपर से, ब्रॉन्ज से, उसके बाद नॉर्मल में जाएंगे और फिर मनी का सप्लाई भी बताएंगे कंट्री के अंदर। थैंक यू सो मच।